हेलो दोस्तों, दिस इज रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये हमारी जो ओल्ड मॉडल मैंने खोली थी, ओल्ड मॉडल फुल रजिस्ट्रेशन का पार्ट टू है। तो आपके बहुत इंतजार के बाद ये पार्ट टू आ गया है। तो, और एक चीज़ और दोस्तों, इसको ना कुछ पार्ट ज़्यादा बनाने पड़े, क्योंकि यही देखिए काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से राय ली तो कि क्या फास्ट फॉरवर्ड में बनानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बुलेट बनाने के लिए अगर मैं पूरी कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो फास्ट फॉरवर्ड में करें बहुत मतलब पूरी फिल्म के बराबर 2-3 घंटे की वीडियो बनती है। तो इसके पार्ट एंड डिवाइड, तो आप ये वाला पार्ट पूरा देखिए, फिर इसका दूसरा पार्ट आ रहा है एक दिन के अंदर, फिर ऐसे वीडियो पूरी बन चुकी है, बाइक रेडी है। तो आप बस ये पार्ट में वीडियो आएगी, हर नेक्स्ट डे इसकी वीडियो पोस्ट होगी, तो आप देखिए इस वीडियो को। तो सीरियल वाइज देखिएगा इसका, एक मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ओल्ड मॉडल फुल रिस्टोरेशन, उसके अंदर इसके पार्ट हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा आप मेरे चैनल पे आइए, क्योंकि क्या होता है जब सजेशन में वीडियो आती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मेरी लास्ट वाली वीडियो में कंफ्यूज हो गए वो आप ज़्यादातर, फिर भाई उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि जो मेरे 500cc का मैंने इंजन बनाया था उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो आपने बनाई खोली थी स्टैंडर्ड ओल्ड मॉडल और बना दिया आपने क्लासिक, ये क्यों पागल बना रहे भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके देखने में थोड़ा गलतफहमी हो रही है भाइयों को। आप इसके सीरीज में जाइए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी। तो अगर प्लेलिस्ट आपको होप आप भाइयों को तो पता ही होगा, खैर प्लेलिस्ट कहाँ होती है, तो मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट है ओल्ड मॉडल फुल रेस्टोरेशन की, तो उसका आप देखिए। तो आइए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम इंजन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेन चैम्बर में बैरिंग वगैरह, तो मेन चैम्बर ही हमारा राइट साइड का है, लेफ्ट का है, और ये मेन बैरिंग है इसके, ये मैं भोग लेता हूँ उसके अंदर। तो इसके बैरिंग वैरिंग टूटे कंप्लीट हो गए, इसको लगाते हैं। इसमें क्या करना है, हल्की सी ना यहाँ पे, क्योंकि जब बैरिंग डालते हैं हल्की सी ग्रीस लगानी है, बहुत हल्की सी, ताकि रोलर साइडों पर छोड़ दें। ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि जाके ऑयल में मिक्स हो जाएगी फिर।
बहुत हल्की से लगानी ताकि रोलर साइडों में छोड़ दे। बस बिठाने के बाद आपको ये चेक करना है यहाँ से डंडी इसके आधी इस साइड हो और आधी इस चैम्बर के लिए बची हुई हो। ये हमारी मेन बेरिंग की फोन और ये इसका फ्री डिस्टेंस पीस ही लगाना ना भूलें, ये जरूरी लगाना। अब इसकी पैकिंग पेस्ट करती है। गाड़ी ये ओल्ड मॉडल ज़्यादा, वैसे मैं मेन चैम्बर में बॉन्ड लगाता नहीं हूँ, इसको ना हल्का सा मुझे डाउट है फेस हल्का सा होता है, फेस कराना सही नहीं है, तो मैंने कहा इस पर बॉन्ड यूज़ करेंगे हम, अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, नई बाइक है तो उस पर बॉन्ड यूज़ नहीं करनी। उसके बैरिंग में मेन चैम्बर किसी भी सर बस इसके इंजन में अब क्रैंक के अलावा कुछ भी नहीं है, इसके मेन चैम्बर में और कुछ होता ही नहीं है, बुलेट के इंजन में खाली क्रैंक और कुछ नहीं।
मुझे हमारा हो चुका है अब एक कपड़ा लेके इस पे वस्त्र देंगे ताकि कोई चिंता ना करे। अब उसका गिरबक्सा लगाएंगे, गिरबक्सा हमारा सबसे मोटा पार्ट है। गिरबक्सा रेडी है ये, गिरबक्सा लगाने से पहले ना इस पे हल्का सा ऑयल लगाना क्योंकि कई सालों में इंजन खुलते हैं ये जाम हो जाता है। गिरबक्सा फिट हो चुका है, ये पत्तियां टाइट करनी है।
बता बल्लू प्लास्टिक के
चार सिम चाहिए टर्मिनल सिम कर दो चार निकालना आपने क्या बोला फिर क्या बोले जल्दी कल फिर जाके जाएंगे कल दिन में जाके जाएंगे Thank you.